अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के सिंगरौली जिला उपाध्यक्ष राजू सोनकर को बनाया गया। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अमित तिवारी ने राजू सोनकर को प्रमाण पत्र देकर उपाध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी। राजू सोनकर को सिंगरौली जिले का अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन का उपाध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय महासचिव अमित तिवारी ने राजू सोनकर को प्रमाण पत्र देकर शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही वहां पर उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के पदाधिकारी, संभागीय उपाध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी एवं सत्येन पासवान, प्रदेश महासचिव रमन सिन्हा ने राजू सोनकर को सिंगरौली जिला उपाध्यक्ष बनाए जाने पर शुभकामना दी। राजू सोनकर ने कहा वे सत्य निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने पद का निर्वहन करेंगे। आज हमारे परिवार में एक नए सदस्य शामिल हुए हैं राजू सोनकर जी, इनके ऊपर अभी जिला उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है इनको, और हम चाहेंगे कि पूरे लगन से, पूरे मन से, पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ ये संगठन के साथ जुड़े रहें और समाज सेवा के कार्य में निरंतर अग्रसर। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।